ਬਹੁਤ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚੜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾੜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦੋਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੋਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਭੈਣ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਦੀ ਪੇ ਬਗਾਇਆ ਦਾ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵਰਲ ਵਾਈ ਪੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਨ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਕ ਹੈ 36 ਚੌਕ 36 ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੇ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਹਮ ਚਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਖਾਨਸਰ ਚੌਕ ਹੈ ਜੀ ਖਾਨਸਰ ਚੌਕ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਨਦੀਮ नदीम भाई टॉफियां लेने गया हुआ है कोई हाँ ये ना कैसे टॉफियां ये जी हमें इधर कितने मिनट लगे हैं 20 मिनट लगे हैं 15 से 20 मिनट मोटरसाइकिल की रीडिंग थी उस टाइम 2227 अब है 2241 कितने हो गए ये इधर देखें जी ये उनका लगा हुआ है क्या कहते हैं ऊंट अच्छा जा ये जी यहाँ पर लगा हुआ है इसका चौक बना हुआ है सराइकी का सराइकी जैसे होते ना ये क्योंकि रेगिस्तान है इससे आगे तो इसलिए ये लगा हुआ है ये जी लगा हुआ है यहाँ पर ऊंट और ये खानसर चौक है यहाँ की ये पहचान है खानसर चौक की इसने ये लगाया हुआ है ऊंट लगाया हुआ है तो मैं भी जा रहा हूँ आप उसी की तरफ वे टाफियां केड़िया टाफियां गिनना पिया आइए गिन जा ये गिन ए बे मलिक साहब कोई थां शां दोना बैठे सब तैन तू केड़िया टाफियां चाहिए कर हराम मन ता लगदा जन्नू वाले दरबार तो ते पिनी ਦਰਬਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਸਾਇਨ ਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਵਾ ਸੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਤਰਾ ਕੋ ਮਤਵਲੀ ਸ਼ਲ ਵਾਲੀ ਰਾਂਦ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਦੀ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਰਾ ਪੀਓ ਪੀ ਰਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਦੀ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਾਣਾ ਪੀਆ ਦੇਖ ਇਹ ਦਸਤਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਪਾ ਅਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ए जी अस दुले वाले पहुंच गए सप्तान का इलाके सप्तान मलिक सप्तान का इलाका ये रे भाई ये एमएम रोड मियां वाली ते अस हुन बैठे पए कि अंगा पत्र सप्तान का कोई इलाका अंगा है अस आज पए जी जन्नू वाले दरबार ते दरबार त नहीं जी अच्छा कितना है भाई भाई दोस्त ते तो वैसे मत बाप दिया ए तो जी दोस्तों इस टाइम हम खड़े हैं एक पंप पर पेट्रोल पंप यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं थोड़ा सा और सितैन कहता है कि खाना इधर खाते हैं इधर ये पेट्रोल पंप के साथ होटल है नदीम क्या हुआ है हाँ देखें प्यारा ये माहौल है इधर से एमएम रोड है ये मियां वाली जा रहा है इस तरफ मियां वाली इधर मुल्तान ये अब बना है न्यू ये मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा दूं ये देखें तो इधर आप बैठे हैं खाना शाना खाते हैं जी सितैन साहब खाना बोल दिया है फिर आगे चलते हैं ये आपको जो है इसके सहरा की रेगिस्तान की सैर करेंगे और आपको रेगिस्तान का व्यू वगैरह भी दिखाएंगे ठीक है सितैन साहब जी ठीक है भाई मैं आपके साथ हाँ नदीम साहब भाई रिश्ता खिलाना है बैठे ही देखो मैं सच नहीं मंदिर पे बगाया था क्यों वो आदि बगुर सुना नहीं बात मैं फोन में भी तू के नाम कौन सा ये वाला दुला मेरी जान नहीं चल गया खाना कितनी देर यार मुझे भूख लगी है बहुत सारी भाई यार है परेशान है मैंने कॉल कर दी थी अच्छा चलो ठीक है जी थैंक यू शुक्रिया
सतैन साहब क्या माहौल है, को पानी शानी ले आओ यार, मुझे तो प्यास वगैरह लगी। नहीं कब आएगा भाई, यार जल्दी ले आओ पानी, प्यास लगी है मुझे। मैं को लगता है इतना पानी नहीं लगता है थाल ते। मेरा रूम में डांस रहती है, पानी नहीं लगा मैं। अच्छा। और तू जी गाल करे। नहीं नहीं। ये दाल है अल्लाह के सामने। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया है, खाना खाते हैं। सुल्तान भाई थैंक यू। ये है जी सौगात यहाँ की, जो सुल्तान कह रहा था गोश्त है तंदूर में बना हुआ है ना, तो खाते हैं खाना। आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ खाना खाएं। क्यों भाई नदीम, भूख बड़ी लगी है, और खाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ना हो कि सुल्तान ये उठा ले। क्यों सुल्तान भाई? नहीं भाई आपके लिए बनवाया, आप भी खाएं। अच्छा जी अच्छा, तो बिस्मिल्लाह करें जी। तो जी दोस्तों खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया हमने, खाना काफ़ी टेस्टी था। तो अब हम सुल्तान हमें लेके जा रहा है आगे, सहराए थल है, रेगिस्तान है, टीले शीले हैं, उधर लेकर जा रहा है, कहते हैं उधर चक्कर लगाते हैं। तो चलते हैं और आपको वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे जो हमारा है सहराए थल। सुल्तान साहब ले आए सामान वगैरह, चलते हैं। तो जी प्यारे दोस्तों ये भाई हैं, इंद्री होते हैं, ये रांझा तंदूरी गोश्त है, ये इनका कार्ड वगैरह है, नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, मैं साथ लगा भी दूंगा। आप लोगों को यहाँ पर कोई ऑर्डर वगैरह करना होता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट बखर की। 3 घंटे पहले ऑर्डर देना, 3 घंटे पहले। अगर ये आपका नाम क्या है? ये मेरे अबू का नाम है, ये मेरे नीचे वो भी। ठीक है जी। और अगर कोई यहाँ से पार्सल मंगवाना चाहे, यानी कि बखर या इससे दूर? सर ये गाड़ी पर रखा देते हैं। अच्छा गाड़ी पर रखा देते हैं जी जी। तो नंबर पे कॉल करनी होगी जी जी। 3 घंटे ठीक है, 3 घंटे पहले जी आपने ऑर्डर देना होगा, और जो ऑर्डर होगा वो आपका अड्डे तक पहुँच जाएगा गाड़ी के। यहाँ से मेन रोड है ना, एम एम रोड। हाँ जी, तो उसके अलहदा से चार्जेस होते हैं। हाँ जी ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमने आगे भी जाना है। तो भाई को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। और जी दोस्तों इस टाइम हम पहुंच गए हैं पक्की नहर नाम है इसका, यहाँ पर आगे कितना 2 से 3 किलोमीटर दूर है दरबार। ये देखें काफ़ी प्यारा इधर से व्यू आता है, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। सुल्तान साहब आकर बताएं ना मेरे व्यूवर्स को, मेरे यूट्यूबर जो हैं उनको बताएं कि ये कौन सी जगह है, और ये दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, सफ़ेदों के दरख्त हैं, और काफ़ी इधर सब्ज़ा है। आप देखें रेगिस्तान में लोगों ने सब्ज़ा बनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। क्यों सुल्तान साहब? जी जी भाई, ये पक्की नहर है मेरा भाई। हाँ जी, पक्की नहर आदि नाला नहुए नाले, ये दरख्त वगैरह लगवाई पाए मेरा सारे गरीब बंदन सारे। सुल्तान साहब ये कब बनी थी नहर, ये करण बनी है नहर? कम से कम भाई 10-12 साल थे। अच्छा 10-12 साल हो गए हैं। तो ये दरख्त वगैरह बाद में लगे हैं? जी जी बाद में लगे हैं। ये देखें जी दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। तो चलते हैं और आगे भी आपको विजिट करवाते हैं, माशाल्लाह इधर से देखें आप माहौल चेक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए मुंबा सुल्तान है भाई। ठीक है ते इंदे इलाके चाहे वदे हैं। हां भाई हुन तारा केड़ा इलाका है? सारा इलाका इंशाल्लाह भाई शुरू थी ये वाला तू। अच्छा अगा सारा घर है मेरा बिरा गरीब मां, ये तुम्हारा घर का मैं घर का अपना घर है पराय घर को बणी दे शेर हो उंदे जेड़ा पराय घर हो जी अपने घर से बंदा रोज में अपने घर ता हर कोई मांदा सही मैं देना है। हां ते जेड़ा पराय घर में वो शेर हुंदा भाई ते ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਥਿਆ ਕੜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਯਾਲਾ ਬਾਰੀ ਥਈ ਹੋਈ ਤੇ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਬਿਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇ ਮਸਾਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੱਲਾ ਵੇ ਨੇ ਘਰੂ ਬਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਲਾ ਉੱਦਾ ਖੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਂ ਵੀ ਬੈ ਕੈਮਰਾ ਤੇਰਾ ਆ ਜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
जंगलात ही नहीं डूम इतने बिया के थी ना काम सफेद अच्छा सफेद ही है चल चंगे काम करें था बदले जी दोस्तों इस टाइम हम पहुंच गए हैं दरबार आलिया मुर्शिद अब्बास शरीफ। तो ये देखें माशाल्लाह जन्यू शरीफ ये देखें जी बहुत प्यारा माशाल्लाह दरबार बना हुआ है। ये किसी को फोन कर रहे हैं सत्यान लोग दान क्या फोन करें था पिया सत्यान साहब अंदर चलते हैं दरबार में ठीक है आ जाओ दरबार ये देखें दोस्तों ये दरबार आलिया मुर्शिद अब्बास शरीफ ये माशाल्लाह काफ़ी प्यारा बना हुआ है आप देख सकते हैं इसको फानूस भी लगा हुआ है माशाल्लाह बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं इधर इस तरफ भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं बच्चे और इस तरफ भी बैठे हैं माशाल्लाह ये काफ़ी इधर देखें हाफिज़ साहब पढ़वा रहे हैं कुरान पाक पढ़ रहे हैं इधर मदरसा है बच्चे जहाँ रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है इससे आगे है दुल्हेवाला के पास है डिस्ट्रिक्ट बखर ही है ये बाहर से व्यू देखें ये जी पीरों के मज़ार शरीफ हैं ये मोहित साहब हैं और ये गुलासन साहब हैं अच्छा ये अगल और साहब अच्छा ये हैं अगल माशाल्लाह ये बड़े बड़े पीर हैं या ये वाले अच्छा ठीक है जी ठीक है शुक्रिया दरबारी आला मुर्शिद अब्बास शरीफ। तो दोस्तों हम दरबार से बाहर आ गए हैं ये हमारे पीछे आपको दरबार नज़र आ रहा होगा बहुत प्यारा दरबार बना हुआ माशाल्लाह। मैं पहले आया था मुझे इतना याद नहीं है शायद छोटा था अब हम मेरा ऐसा समझे कि चक्कर नया पहला चक्कर लगा है। नदीम भी पहली बार आए हम आए थे सत्यान के पास क्यों नदीम जी जी पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है साथ वाली मस्जिद है
और ये दरबार आलिया है, मुर्शिदाबाद शरीफ, जन्यू शरीफ। दोस्तों अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, सिप्तान के पास जाना है। और क्यों सिप्तान भाई, चलें? जी सर, इंशाल्लाह चलें। ठीक है नदीम, चलो। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, दुआ में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। याद केड़ी मजबूरी तेरी? मेरी मजबूरी बहुत शदीद है। केड़ी मजबूरी? मैं ते करदा चढ़दा मैं ते यहां रियाड़ां दी है महीना देगा, मैं निकाल नहीं दोदा, मुंह नहीं दोदा। केड़ी मजबूरी तेरी आपरी दा? किथे जावे हैं? जंगल जाए करते हैं ऊपर जाने।